हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को थोड़ा समझा था थोड़ा और समझना बाकी है तो देखिएगा कि आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है सुनिएगा ध्यान से हमने लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी के साथ में एक नई फ़िजिकल क्वांटिटी भी समझ ली थी विच इज़ एग्जैक्टली रिलेटेड विद द स्पीड एंड दिस इज़ एवरेज स्पीड क्या पढ़ा था हम लोगों ने एवरेज स्पीड और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो आज की क्लास में जो हमें पढ़ना है वो ज़रा ध्यान से सुनेंगे आप लोग हमें वेलोसिटी पढ़ना है दोबारा से पढ़ चुके हैं एक बार तो हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में कुछ और बातें जानने जा रहे हैं ओके okay? तो वेलोसिटी का मतलब हमें क्या समझ में आया था कि अगर आप अपने मूविंग व्हीकल की स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैंशन करें देन इट इज नोन एजॉसिटी ओके और इसका फॉर्मूला भी हमको पता है क्या फार्मूला मिला था हमको इस वेलॉसिटी का हमको इसका फॉर्मूला मिला था डिसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इज इट ओके और हमने ये भी जान लिया था एज दिस विलॉसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन

वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी एंड एज दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देयरफॉर ऑल्सो वी कैन से दैट दिस वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्टर क्वांटिटी आ गई बात समझ में ठीक तो ये तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी और अब जैसा कि आपने स्पीड के थ्रू एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से इस वेलोसिटी से आप एक नई चीज़ कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड दिस इज एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्या फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम तो एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सिमिलरली इस इसका क्या है, का है तो का क्या बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमें मिलेगा वो हमको मिलेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इट ओके वॉट एवर द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज इट ओके तो मतलब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से आ गई बात समझ तो ये है एवरेज वेलोसिटी, ओके ठीक है क्या और भी कुछ जानना है हमको बिल्कुल एक बात और जाननी है देखो ये तो एवरेज निकालने का तरीका है ही सही पर एक हम जो जूनियर स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं किसी भी चीज का एवरेज निकाल लेना वो कैसे निकालेंगे हम मतलब हमारे पास में इस एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेलोसिटी किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकाला जाता है बिल्कुल उसी ही तरीके से हम इस वेलोसिटी का एवरेज निकालेंगे और हमको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी इज इट ओके तो देखिएगा कि कैसे एवरेज निकालेंगे हम जैसे कि हमें यहाँ पर वेलोसिटीज का एवरेज निकालना है तो हम दो वेलोसिटीज ऐड करेंगे और दो वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे ओके कितनी वेलोसिटीज का एवरेज निकालने जा रहे हैं हम दो वेलोसिटीज का ये दो कौन सी वेलोसिटीज हैं इनमें से जो हम पहली वेलोसिटी काम में लेने जा रहे हैं दिस इज इनिशियल वेलोसिटी मतलब समझ गए होंगे आप इनिशियल वेलोसिटी का द वेलोसिटी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन आपका मोशन शुरू करते वक्त आपकी गाड़ी की या आपकी जो भी वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को कौन सी वेलोसिटी बोला जाता है इनिशियल इज इट ओके और दूसरी जो वेलोसिटी हम यहाँ पर काम में लेंगे हम वो काम में लेने जा रहे हैं फाइनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी काम में लेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब भी आप समझ गए होंगे फाइनल वेलोसिटी का मतलब द वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट ऑफ मोशन जहां पर आपका मोशन खत्म होने वाला है उस एंड पॉइंट के मोशन पर इस एंड पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। तो देखो हमने वेलोसिटी का एवरेज निकालने के लिए कितनी वेलोसिटीज ऐड करी हैं सिर्फ दो क्या आप दो से ज्यादा भी ऐड कर सकते थे बिल्कुल आप पॉइंट टू पॉइंट दस बार भी ऐड कर सकते थे इज इट ओके पर क्या हम दस बार करेंगे नहीं हम क्लास नाइन्थ में जब भी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वी विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ओनली दीज टू वेसिटीज हम सिर्फ इन दो वेलासिटीज़ का एवरेज ही फाइंड आउट करेंगे हमेशा पर आप हायर क्लासेस के हिसाब से याद रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा दो ही वेलासिटीज़ का एवरेज निकाला जाए ऐसा जरूरी नहीं है आप पूरे मोशन के दौरान टेन पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर सकते हो और उन टेन पॉइंट्स की वेलोसिटी का एवरेज भी निकाल सकते हो इज इट ओके पर क्लास नाइन्थ में हमको ऐसा नहीं करना है वी विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ओनली टू वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो कितनी वेलोसिटीज का एवरेज निकाल रहे हैं हम सिर्फ दो तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी को आप किससे डिवाइड करेंगे से डिवाइड करेंगे okay? पर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर कि आपका मन होता तीन वेलोसिटीज़ का का, का का एवरेज एवरेज निकालने तो तो क्या करते? डिवाइडेड बाय है? जितनी जितनी भी पर, जितनी भी जितनी भी जगह पर जितने मार्क्स या वैल्यूज़ ओके okay? तो चलिए अब एक नई बात जानिए नई बात यह है कि हमने इनको सिंबल दे रखे हैं जो एवरेज वेलोसिटी है इस एवरेज वेलोसिटी को आप वी बार से डिनोट करते हो किससे डिनोट करते हो वी बार से ओके okay? इनिशियल वेलोसिटी का भी कोई सिंबल है क्या बिल्कुल एक सिंबल है और ये जो सिंबल मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा हर चैप्टर में काम में आएगा इज इट ओके टिल द एंड ऑफ द फिजिक्स हर जगह पर काम में आएगा इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल यू क्या आप कैपिटल यू भी लिख सकते हैं नहीं हम सिर्फ स्मॉल यू लिखेंगे करेंगे हम इसको small v से, तो okay? के हमको दो फॉर्मूले मिल गए ध्यान से देखिए एक तो हमें मिला फॉर्मूला ए फर्स्ट वाला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम और ये हमें मिला सेकेंड फॉर्मूला जिसको हमने एक और तरीके से लिख दिया है अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दोबारा रिपीट कर देती हूं वेलोसिटी एट द

तो हमें दो फॉर्मूलेज मिले वेलोसिटी के ओके okay? तो चलिए इसको हम यहां से रफ करते हैं आप फॉर्मूलेज नोट डाउन कर लें हालांकि फॉर्मूलेज तो आपके नोट्स में भी लिखे हुए बट यू मे नोट डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो तो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं अब हम आगे चलते हैं क्या हमें और भी कुछ जानना है वेलोसिटी के बारे में येस yes. और भी कुछ जानना है देखिएगा क्या जानना है अब हमको वेलोसिटी के बारे में वेलोसिटी के टाइप्स जानने हैं हमको ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स इनटू टू टाइप्स इज इट ओके तो कौन-कौन सी वेलोसिटीज आपको पढ़नी है फर्स्ट जो टाइप ऑफ वेलोसिटी है दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी पढ़नी है आपको यूनिफॉर्म विलॉसिटी पढ़नी है इज इट ओके एक और विलॉसिटी आपको पढ़नी है एंड दिस सेकेंड वी इज वेरिए कौन सी velocity पढ़नी है वेरिएबल विलॉसिटी बहुत ध्यान से सुनिएगा दोनों वर्ड्स को ओके okay? ताकि आपको लर्न ना करने पड़े नोट्स में से वर्ड टू वर्ड यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब जानने के लिए आप डेफिनेशन को कनेक्ट कर सकते हो विद द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाई पढ़ी थी आप लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बिल्कुल पढ़ी थी एंड अकॉर्डिंग टू विच यूनिफॉर्म मोशन की रिपीट कर रही हूँ मैं सुनिएगा वेलोसिटी की नहीं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू विच इफ अ बॉडी कवर्स

डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये हैं दो चीजें इसके फॉर्मूले में ओके okay? अब यूनिफॉर्म का मतलब हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से वेन अ बॉडी वेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट है ना आगे समझ गए ना आप लोग डेफिनेशन वेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट यहां में ब्रैकेट छोड़ रही हूं कुछ लिखना है यहां पर अभी लिखेंगे हम वेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वि अब मैंने ये ब्रैकेट क्यों छोड़ा है लुक है डिस्प्लेसमेंट आप ना लिखना चाहें तो क्या कोई और ऑप्शन है इस डिस डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कुछ और लिखा जा सकता है बिल्कुल लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट की हम जगह यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन क्या आपको याद है दैट वेन वी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन दिस डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट याद है हमको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है जैसे ही स्ट्रेट लाइन में मोशन शुरू होता है डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के आ गई बात समझ में तो आप चाहें तो लिखें व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे इक्वल डिस्टेंसेस इन स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द मीनिंग इज सेम ओके एंड नाउ वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी क्या वेरिएबल वर्ड का मतलब समझते हैं वेरिएबल वर्ड का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड जिस चीज की वैल्यू फिक्स ना हो उसे क्या बोला जाता है वेरिएबल वेलोसिटी है ना नॉट फिक्स का मतलब आप क्या बोल सकते हैं विच कंटिन्यूसली चेंजेस जो लगातार बदलती रहे जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहे उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं इन शॉर्ट वेरिएबल तो क्या आपको वेरिएबल वर्ड का मतलब समझ में आ गया होप समझ में आ गया होगा जो लगातार बदलती रहे। ऐसी velocity को क्या बोला जाता है variable velocity. पर ये जो variable velocity को हमने इतनी जल्दी से लिख दिया कि दिस इज नॉट फिक्स दिस कीप्स चेंजिंग तो हमें है ना इसका मतलब समझ में आना बहुत जरूरी है बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए इसका मतलब तो मजा आएगा तो चलो देखते हैं देखो बात यहाँ पर वेलोसिटी की हो रही है और वेलोसिटी का मतलब तो याद है ना आप लोगों को वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन हम बात कर रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी की जो लगातार क्या हो चेंज होती रहे Is it okay? तो चेंज करने के लिए किसको चेंज करना है आपको आपको चेंज करना है वेलोसिटी को तो वेलोसिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है लुक है वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके हैं कौन कौन से दो तरीके हैं वेलोसिटी को चेंज करने के या तो आप अपनी स्पीड चेंज करते जाओ है ना जी स्पीड चेंज करते जाओ का मतलब कैसे चेंज करते जाओ बड़ा आसान है हम चेंज तो करते ही जाते हैं वैसे भी है ना कैसे चेंज करते हैं हम हमने जैसे स्कूटी चलाई तो कभी हमारी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर कभी 30 किलोमीटर पर आर कभी 40 किलोमीटर पर आर कभी 10 किलोमीटर पर आर तो इन दिस वे हम अपनी क्या चेंज कर रहे हैं हम अपनी स्पीड चेंज कर रहे हैं तो क्या स्पीड के बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी बिल्कुल बदल जाएगी इज इट ओके तो अगर आप चेंज वेरिएबल स्पीड से मोशन कर रहे हो तो क्या आपकी वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी बोला जाएगा बिल्कुल बोला जाएगा क्या और भी कोई तरीका है वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करने का वेलोसिटी को बदलने का बिल्कुल एक और तरीका है और वो कौन सा तरीका है वो तरीका है कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते जाओ है ना डायरेक्शन चेंज करते जाओ का मतलब मतलब क्या होता है भाई जैसे मानिए कि आप स्कूटी चला रहे हैं और कितनी स्पीड से चला रहे हैं थर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से क्या आप अपनी स्पीड चेंज कर रहे हैं वैसे तो चेंज ना करना मुश्किल काम है पर मान लीजिए कि कुछ देर तक आपने अपनी स्पीड नहीं चेंज करी कितनी रहने दी सेम कितनी कांस्टेंट 30 किलोमीटर पर आर पर आप 30 किलोमीटर पर आर कांस्टेंट स्पीड से तो मोशन कर रहे हो पर डायरेक्शन बदलते जा रहे हो कभी सीधे जा रहे हो कभी लेफ्ट मुड़ जा रहे हो कभी राइट right मुड़ जा रहे हो मतलब जहां जहां जैसे जैसे मुड़ना हो मतलब आपकी कौन सी चीज कॉन्स्टेंट कर ली आपने स्पीड पर आप लगातार क्या बदल रहे हैं अपनी डायरेक्शन तो क्या आपकी वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी बोला जाएगा बिल्कुल बोला जाएगा इज इट ओके अगर आप अपनी स्पीड बदलें डायरेक्शन सेम रखें तो भी वेलोसिटी वेरिएबल अगर आप डायरेक्शन बदलें स्पीड सेम रखें तो भी वेलोसिटी वेरिएबल अच्छा और अगर दोनों ही बदलते जाएं तो मतलब स्पीड हमारी 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से दोबारा 20 और साथ ही में डायरेक्शन भी बदलते जाएं कभी ईस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ कभी वेस्ट कभी लेफ्ट राइट इज इट ओके आ गई बात समझ में तो अगर हम दोनों ही चीज़ें बदलें तो भी क्या हमारी वेलोसिटी वेरिएबल होगी यस इट वुड बी बात समझ में आ गई तो वेरिएबल वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में बार बार काम में आएगा तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी सही और समझ में नहीं आया अगर मेरी बोली हुई बात तो दोबारा थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिएगा है ना तो ध्यान से मैं दोबारा आपको एक बार हल्का सा रिपीट करा करा रही हूँ यहाँ पर तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हमें समझ में आया डेफिनेशन तो अभी हम लिख लेंगे हमारी बुकिश लैंग्वेज में पर मतलब हमें क्या समझ में आया कि अगर मोशन के दौरान आपकी स्पीड चेंज हो रही है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी और स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल रही हैं तो भी वेरिएबल वेलोसिटी आ गई बात समझ में तो मतलब तो हमें समझ में आ गया बट डेफिनेशन ऑल्सो हैज टू बी देर टू राइट इन द एग्जाम्स ओके सो लुक here. हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर किसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं हम वेरिएबल वेलोसिटी की ओके okay? तो मैं इसके इधर काला हिस्सा तो यहां से रफ कर देते हैं हम ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगी तो ध्यान से देखें ओके okay? तो हम वेरिएबल वेलोसिटी लिखने जा रहे हैं लुक हेयर वेरी केयरफुली वैन अ बॉडी

Then the velocity is known as variable velocity. So these two definitions are there in front of you. You may learn it from the notes as well as from the board. Okay? So I hope आपने देख ली होंगी definitions. Ruff करने जा रही हूँ अब मैं इनको और अब आपको कोई और बात समझाने जा रही हूँ देखिएगा कौन सी बात अब हमको समझना बाकी रह गई है कोई बात है जो बाकी रह गई है यस yes, बिल्कुल बाकी रह गई है तो देखिए हमने दोबारा से फॉर्मूलेज जाने कुछ नए आपने लास्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था और अब हमको बहुत सारी बातें पता लग गई हैं कौन सी बातें पता लग गई हैं वेन वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज इट ओके जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो क्या क्या बातें हमको ऑलरेडी पता थी हमको पता लगा था कि वेनएवर वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पॉइंट नंबर वन जो हमको पता लगा था कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उस स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के दूसरी बात जो हमको पता लगी थी लास्ट क्लास में कि स्पीड की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है वेलोसिटी के कारण याद है ना और इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए तो स्पीड और वेलोसिटी अपने आप बराबर हो जाएंगे एंड सिमिलरली इन दैट केस वेन एवर वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन दैट केस एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू एवरेज वलोसिटी याद रखनी है ये बात आपको तो वेन एवर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन एनी क्वेश्चन इन एनी न्यूमेरिकल इज इट ओके और उस कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए ओके okay? तो आप चाहें तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें चाहे तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें एज दे बोथ आर सेम तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके नोट्स की वर्कशीट में ही है पेज नंबर थ्री पर उसी का क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं टू प्रूव दैट वेन एवर द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देन द एवरेज स्पीड बिकम्स इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये ओके okay? अकार लिख देती हूं मैं क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देखना आप चाहें तो अपनी वर्कशीट निकालकर उसमें से भी देख सकते हैं अकार ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन अकार ट्रैवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने हमको सबसे पहले बता दी दैट कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन है ना आगे देखते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ फॉर फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ का मतलब जैसे आधा टाइम जो है वो कैसे मोशन करा है स्ट्रेट लाइन में और, और भी कुछ दे रखा है इन्होंने फर्स्ट हाफ के लिए इन्होंने बोला है द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ टाइम एंड द सेकेंड हाफ time with the speed of 60 km per hour find the average speed of the car find the average speed Of the car. चलिए क्वेश्चन करते क्वेश्चन लिखने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सब सही तो लिखा है ना आप भी चेक करिएगा इज इट ओके है ना ऐसा ना हो कि हम यहाँ कुछ और ही लिख दें और हमारे क्वेश्चन कुछ और ही गिवन हो वैल्यूज बदल जाए ऐसे चेक जरूर करना होता है ओके okay? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन सॉल्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं देखिएगा तो जैसे कि मैंने बोला कि सबसे काम की बात इन्होंने हमको सबसे पहले बता दी थी दैट द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नाउ इट इज फॉर द फर्स्ट हाफ विद द स्पीड ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर मतलब यू माने कि जैसे ये रास्ता था है ना ए टू बी एंड बी टू सी तो फर्स्ट हाफ टाइम हम ए टू बी मान लेते हैं ए टू बी को हम क्या मान लेते हैं ए टू बी को हम मान लेते हैं फर्स्ट हाफ और बी टू सी को हम मान लेते हैं सेकेंड हाफ सही तो बनाया ना हमने ट्रैक बिल्कुल सही बनाया है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मोशन किसमें हो रहा है स्ट्रेट लाइन तो ये फर्स्ट हाफ टाइम हो गया ए टू बी और ये सेकेंड हाफ टाइम हो गया बी टू सी ए टू बी फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आर ठीक है एंड द सेकेंड हाफ विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आर ओके okay. आ रहा है समझ में अब करना क्या है करना है हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट चलो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं लिखते हैं कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लिखना पड़ता है ना फार्मूला लिखते हैं क्या फार्मूला है एवरेज स्पीड का याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले ऐसा ना हो कि पेजेस पलट पलट के फॉर्मूले ढूंढने पड़े है ना लर्न होने चाहिए आप लोगों को तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम चलो भाई जल्दी कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड फार्मूले से करेंगे आप लोग कर सकते हैं आप लोग क्या आपको इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस गिवन है no. है नो क्या टाइम गिवन बिल्कुल भी नहीं तो हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करें ना तो टोटल डिस्टेंस गिवन है ना टोटल टाइम कुछ भी गिवन नहीं है तो चलो देखते हैं कि गिवन क्या है यहां पर है ना फाइंड करने की कोशिश करते हैं देखिए इन्होंने हमें फर्स्ट हाफ टाइम की वेलोसिटी दे रखी है और सेकेंड हाफ टाइम की भी तो फर्स्ट हाफ टाइम की वेलोसिटी को हम u लिख दें याद तो है ना u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और ये सेकेंड हाफ टाइम की वेलोसिटी को हम v लिख दें फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल लिख सकते हैं तो वे तो इन्होंने u और v रखा है और पूछा एवरेज स्पीड है तो क्या करें कर सकते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूँ कि सबसे खास बात इन्होंने जो बता रखी है हमें दैट द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो वेन एवर द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन याद है ना आपको क्या होता है एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाती है एवरेज स्पीड बराबर हो जाती है बिल्कुल बराबर एक्जैक्टली exactly सेम किसके एवरेज वेलोसिटी के तो एवरेज स्पीड किसके बराबर हो गई एवरेज वेलोसिटी के है ना और ऐसा सिर्फ कब होता है ओनली फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन तो अब क्या करें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना तो मुश्किल दिख रहा था क्या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं चलिए तो एवरेज वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी के हमने दो फार्मूले पढ़ रखे हैं कौन सा वाला काम में ले मैं यहाँ पर बता देती हूँ पर उससे पहले आप सोचिएगा जरूर ओके तो हम यहां पर जो फॉर्मूला काम में लेने जा रहे हैं दिस इज यू प्लस वी अपॉन टू सही है क्या बिल्कुल सही क्योंकि यू भी दे रखा है और वी भी दे रखा है और टू तो हमको पता ही है दिस इज टू ओके तो चलिए एवरेज वेलोसिटी को आप वी बार लिख सकते हैं तो हम सिंबोलिकली लिख लेते हैं और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं यू की वैल्यू कितनी है यू की वैल्यू है फोर्टी और वी की वैल्यू कितनी है सिक्सटी तो फोर्टी प्लस सिक्सटी अपॉन टू ओके नाउ वी बार इज इक्वल टू फोर्टी प्लस सिक्सटी इज हंड्रेड अपॉन टू टू को हंड्रेड से आप कैंसिल कर दीजिए ये आ जाएगा फिफ्टी फिफ्टी किलोमीटर्स पर आर ये आपने क्या निकाली एवरेज वेलोसिटी क्या एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड लिख दें क्योंकि पूछी तो एवरेज स्पीड थी बिल्कुल लिख देते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कारण हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं नो नीड टू राइट इट अगेन तो डायरेक्टली वी विल राइट डाउन द आंसर दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फिफ्टी किलोमीटर्स पर ओके okay? तो क्वेश्चन इज डन आंसर आ चुका है देख लीजिए बोर्ड पर ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और ऐसा लगे कि समझ में आ गया है तो नोट डाउन मत करना फिर अपने आप करना है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा ओके okay? तो आई होप आपने देख लिया होगा इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग बट नेक्स्ट क्लास में ओके सो बाय एवरी वन